किराए घटाए गए हैं, ना कि कोई बढ़ाया गया है। जो लोग HRTC में ट्रेवल करते हैं, यानी कि उसमें सफर करते हैं, उनके लिए एक लगेज पॉलिसी है कि आप अपने साथ 30 किलो तक का सामान लेके जा सकते हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी कि HRTC की लगेज पॉलिसी को लेके कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं, शगुफे छोड़ रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि जो हाल ही में एक माइनर सा संशोधन किया गया है पॉलिसी में, उसके तहत किराए घटाए गए हैं, ना कि कोई बढ़ाया गया है। और कुछ लोग ये दलील दे रहे हैं कि फैसला पलट दिया गया, किराए बढ़ा दिए गए, ये सब जो है बेस सिर पैर की बातें हैं। हकीकत ये है कि HRTC की लगेज पॉलिसी मौजूदा सरकार ने बनाई, इसमें दो तरह के कंसेप्ट है। एक मसला तो ये है कि जो लोग HRTC में ट्रेवल करते हैं, यानी कि उसमें सफर करते हैं, उनके लिए एक लगेज पॉलिसी है कि आप अपने साथ 30 किलो तक का सामान लेके जा सकते हैं। जो आदमी बस में सफर करेगा वो अपने साथ 30 किलो सामान ले जा सकता है। इस पे कोई ना संशय है, ना कोई विवाद है, ना इस धारा से कोई छेड़छाड़ हुई है। और कुछ लोग दलील दे रहे हैं कि जो अब बस में सफर करेंगे उसको ये देना पड़ जाएगा, फलां देना पड़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग सफर करते हैं पहले की तरह सफर करेंगे, 30 किलो अपने साथ लगेज ले जा सकते हैं, उसके बाद लगेज पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती है। और ये भी है कि जब पिछली दफा थोड़ा सा कुछ लोगों ने ध्यान में लाया था, उनका कहना था कि कम से कम एक सेब की पेटी तो एक आदमी को अलाउ करो साथ में मुफ्त में ले जाने की, वो भी हमने अलाउ कर दी थी कि एक पेटी जो है व्यक्ति अपने साथ ले जा सकता है। और अब दूसरा पहलू क्या है कि जो लोग HRTC में सफर नहीं करते और HRTC को एक कुरियर सेवा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और पिछले 49 साल तक करते रहे, और लेकिन हमने आए, हमारे में इच्छा शक्ति थी, हमने लगेज पॉलिसी बनाई, हमने कहा कि HRTC में जो लोग सफर नहीं करते और अपना सामान भेजते हैं उनको जो है उसका भुगतान करना पड़ेगा। और उस भुगतान का ये हुआ कि 1.5 करोड़ रुपए की उससे आय हुई है। आखिर ये पैसा किसी की जेब में तो जाता होगा, कोई तो कोई इसके बेनिफिशियरी रहे होंगे आज दिन तक। लेकिन इस पॉलिसी में क्या है, इसमें यह है कि जो व्यक्ति सफर नहीं करेगा उसको 40 किलो सामान ले जाने तक एक टिकट लगता है। कुछ लोगों ने ध्यान में लाया कि जी आप इसको जो है स्लैब बढ़ा दो, खासतौर पे कुछ लोगों ने कहा कि हम अनार की पेटियां भेज रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा कि जी हम HRTC में जापानी फल भेज रहे हैं, कुछ ने कहा कि हम सेब भेजते हैं, हम ट्रेवल नहीं करते लेकिन हम ये भेजते हैं। तो उसमें हमने भारी कटौती करते हुए 5 किलो तक के सामान पे 75% की रियायत देते हुए उस किराए को 25% कर दिया। और जो 20 किलो तक का सामान है, 5 से 20 तक का, उसमें हमने कटौती करते हुए उसको 50% कर दिया, 50% की रियायत दे दी। और 40 किलो पे जो है अब एक टिकट लगेगा। अब ये कटौती की गई है, किराए को स्लैश किया गया है, किराए को गिराया गया है। और उसमें भी कुछ लोग जो है अफवाहें फैला के अपना हित साधने की कोशिश कर रहे हैं।